हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज कितना तारीख है मुझे पता नहीं है, बट आज मैं जा रहा हूँ सुतान फॉरेस्ट एंड वहाँ पर बहुत सारे कुछ जगह है घूमने के लिए, तो उधर ही जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरा एक इनविटेशन है वहाँ पर रिमिल रिजॉर्ट पे, तो मेरी एक फ्रेंड का शादी है तो इसलिए उधर जा रहा हूँ, तो एकदम पूरा वो कंप्लीट घूम के ही आऊँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अभी तो बज गए हैं 11:30, थोड़ा जल्दी निकलना था बट वेदर देख ही रहे हो कैसा है, तो इसलिए जल्दी नहीं निकल पाया। बहुत ठंडी है तो अभी निकल गए हूँ एंड चलो जाते हैं। बट और क्या है, सुबह सुबह निकलता है तो रास्ते में मतलब ट्रैफिक नहीं मिलता, और अभी ट्रैफिक मिल रहा है बहुत सारा, तो वही मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो बाइक में पेट्रोल कम है, सामने नायरा का एक पेट्रोल पंप है, उधर पेट्रोल भी फिल कराऊंगा एंड जाऊंगा। इधर से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है रिमिल रिजॉर्ट एंड सुतान फॉरेस्ट, तो कोशिश करेंगे कि आज ही घूम लेने के लिए, अगर नहीं हुआ तो कल घूमेंगे उधर, क्योंकि भाई जाके लंच भी करना है मुझे, अभी से ही मुझे भूख लग गया है। तो चलो, अभी तो पुआ मकान एंटर किया हूँ एंड अभी बहुत सारे डिस्टेंस बाकी है, तो चलो आगे बढ़। भाई अभी आ गए हूँ पुआ मकान क्रॉस करके एंड अभी सीधा जा रहा हूँ, इधर सामने है सुनक पहाड़ी और इधर ही मतलब इस रास्ते पे स्पीड मुझे जाना पड़ेगा लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से। तो रास्ता देखो, मतलब एटलीस्ट रोड कंडीशन ठीक है, आरामबाग के रूट जैसा उस टाइप का रोड नहीं है, मतलब रोड कंडीशन यहाँ पर ठीक है, बट बाइक में पेट्रोल पंप है तो सामने नायरा का पेट्रोल पंप है उधर भराऊंगा, बट कहाँ पर है मुझे नहीं पता। और हाँ, ये रोड बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ट्रैफिक है, थोड़ा डर भी लग रहा है चलाने में हाई स्पीड में, तो धीरे ही चला रहा हूँ। की स्कैन हो लो सेंसर हो, ये सेंसर काज की कोनो पेट्रोल पंप तो देखी नहीं। अच्छा, नूतन सिस्टम ना कि नूतन सिस्टम। क्या नया सिस्टम लगा है क्या पता भाई, इतना दिन से पेट्रोल भर रहा हूँ, किसी भी पेट्रोल पंप पे ये सिस्टम नहीं देखा कि सेंसर टच कराना पड़ रहा है उन लोगों को, बोल रहे हैं कि सर एक आईडी कार्ड जैसा है वो टच करा रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि पेट्रोल निकलेगा। ये नया सिस्टम क्या सिस्टम निकला है इन लोगों का क्या पता। तो मैंने वहाँ पर बंगाली में बात किया तो मैं वो शायद ट्रांसलेट करके आप लोगों को दे दूँगा सबटाइटल में, तो आप लोगों को देख लेना एंड मेरे मैक्सिमम ऑडियंस बंगाली है तो समझ में आ जाएगा सब लोगों को। तो क्या पता ये मतलब अच्छे के लिए है कि ये कुछ गलत भी हो रहा है, तो आई डोंट नो। सो चलो लेट्स गो, पेट्रोल फिल कर लिया अभी, टैंक मतलब 500 का लिया अभी, तो अभी गाड़ी एकदम चलेगा, भागेगा गाड़ी एकदम। सो लेट्स गो, अभी यहाँ पर एक पहाड़ है वो चेक कर लो एंड अभी मैं जस्ट खातरा क्रॉस किया एंड इधर राइट में चला जाता है मुकुट मुनिपुर एंड मैं जाऊंगा सीधा, अभी यहाँ से है लगभग 30 किलोमीटर्स यहाँ से। सो चलो लेट्स गो। अभी रानी बांध क्रॉस कर गया हूँ एंड यहाँ से सुतान है लगभग 20-25 किलोमीटर्स एंड
वेदर पूरा चेंज हो गया है, आप लोग देख ही सकते हो, पूरा मतलब क्लाउडी हो गया क्योंकि बारिश होने का फोरकास्ट है, बारिश होने का फोरकास्ट है। तो डर भी लग रहा है कि बारिश अगर गिर जाए तो कहाँ रुकूंगा। तो चलो देखते हैं। एंड इधर ठंडी भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत ठंडी लग रहा है यहाँ पर। एंड रोड में भाई बहुत सारे बम्पर है। ये बम्पर नहीं था, मैं इस रोड पे 3 साल 2019 या फिर 2020 में आया था, मुझे याद नहीं है। यूट्यूब में मेरा सेकेंड या थर्ड वीडियो था, मतलब उस टाइम में गोप्रो नहीं था तो ऐसे ही फ़ोन से किया था वीडियो। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगा आप लोगों के लिए। उस टाइम में रास्ता और भी ठीक था। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, हौले हौले मस्ती करेंगे। भाई लोग एक बार जगह देखो, पूरा दोनों साइड फॉरेस्ट एंड बीच से मैं जा रहा हूँ, पूरा अलग ही फील आ रहा है, लग रहा है कि मैं जलपाईगुड़ी साइड उस साइड में हूँ। थोड़ा अगर बर्फ़ भी गिर जाता तो सिक्किम हो जाता ये। तो मन था कि थोड़ा रील शूट करूँगा बट टाइम नहीं है मेरे पास अभी। बीच बीच में बहुत सारे बम्पर्स दे दिए। गाइस हम लोग पहुंच ही गए हैं लगभग, क्योंकि सुदान फॉरेस्ट तो आ गया है। हम लोग यहाँ पर कर्विंग कर्विंग मतलब कॉर्नरिंग खेल रहे हैं, बट यहाँ पर पहले बम्पर नहीं था तो बहुत सारे बम्पर दिया है, इसलिए बाइक चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंट्री पॉइंट था वो हमने क्रॉस कर दिया, अभी सीधा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रिमिल रिजॉर्ट जाना है। थोड़ा लेट हो गया तो आने के टाइम पे आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ। बट सीरियसली बम्पर देख कर रोड का फील पूरा खराब कर दिया है यहाँ पर। बट हाँ बम्पर दिया है क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कुछ होता है तो सेफ्टी के लिए दिया है। तो फ्रेंड्स अभी मैप सेट कर लिया हूँ रिमूल इकोटो टूरिज्म रिजॉर्ट का एंड अभी जा रहा हूँ सीधा। तो इधर से 10 किलोमीटर्स एंड बम्पर कंटिन्यूज। दिस इज द मेन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रोड। छोड़ो लेट्स गो। उस जगह से मतलब मेन रोड से डाइवर्ट होके आ गया झिलीमिली साइड में एंड अभी यहाँ से है 5 किलोमीटर्स टू रिमिल रिजॉर्ट। एंड भाई ठंड है, सिर में दर्द कर रहा है, क्या पता है जुकाम होगा कि बुखार होगा। चलो चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चलाना पड़ेगा क्योंकि देख ही सकते हो रोड पे कि कितना है लोग। चेकआउट करो, इतना छोटा। थोड़ा लेट हो गया गोप्रो ऑन करने में। भाई पूरा जंगल में मंगल कर रहा हूँ, जंगल में ही घूम रहा हूँ, कितना दूर है मुझे नहीं पता। चलो सो फ्रेंड्स ये रहा प्रॉपर झिलीमिली, शायद आई गेस मुझे
डाउट है बट मैं चेक करके बोल दूंगा। तो इधर से मुझे लेफ्ट ले लिया है रिमिल रिजॉर्ट के लिए, रिमिल रिजॉर्ट के लिए। चलो तो यहाँ से है रिमिल रिजॉर्ट 2 किलोमीटर्स। सो फ्रेंड्स पहुँच गया हूँ रिमिल एंड ठीक है वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ। टाटा, बाद में मिलूँगा आपसे।